नमस्कार, मैं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। दिल्ली हिंसा में सख्त एक्शन की तैयारी, 22 मामले दर्ज। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की हर ओर आलोचना हो रही है। दिल्ली पुलिस इस मामले में सख्त एक्शन की तैयारी में है। दिल्ली पुलिस के अनुसार आज सुबह तक 22 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस हिंसा की जांच के लिए आईबी और अन्य केंद्रीय एजेंसियों की मदद ले रही है। उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय कानून मंत्रालय की मदद ले रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस सहित सभी पड़ोसी राज्यों की पुलिस को उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं सेंट्रल दिल्ली में हुई हिंसा में गैंगस्टर लखा सिदाना की भूमिका की जांच की जा रही है। लखा सिदाना पर पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इनमें गैंगस्टर एक्ट भी शामिल है। सिदाना किसान आंदोलन में काफी दिनों से एक्टिव रहा है। किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में 153 पुलिसकर्मी घायल, वाहनों को भी पहुंचाया गया नुकसान। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में 153 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ट्रैक्टर रैली के लिए निर्धारित रूट से हटकर किसान लाल किले तक पहुंच गए और जमकर उपद्रव किया। पुलिस के अनुसार मुकरबा चौक, गाजीपुर, आईटीओ, सीमापुरी, नांगलोई टी पॉइंट, टीकरी बॉर्डर और लाल किले पर हिंसा की ज्यादा घटनाएं हुई। पुलिस के अनुसार उपद्रवियों ने 8 डीटीसी बसें, 17 पब्लिक वाहन, 4 कंटेनर और 300 से ज्यादा लोहे के बैरिकेड्स तोड़े हैं। प्रदर्शनकारियों ने विशेष रूप से गाजीपुर, सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेड्स तोड़े थे। दिल्ली पुलिस सुरक्षा के मद्देनजर कई इलाकों में और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर रही है। दिल्ली से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली हिंसा की जांच के लिए पीआईएल दाखिल, कई खालिस्तान समर्थक ट्विटर अकाउंट सस्पेंड। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा और राष्ट्रीय ध्वज की अवमानना के मामले में एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में रिटायर्ड जजों की 3 सदस्य कमेटी बनाकर 26 जनवरी को घटी घटनाओं की जांच कराने की मांग की गई है। इसके अलावा मुंबई विश्वविद्यालय के कानून के छात्र आशीष राय ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में कहा है, जिस प्रकार से लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज की जगह अन्य झंडे को फहराया गया, उससे देश के सम्मान को ठेस पहुंची है। दूसरी ओर दिल्ली में हिंसा के बाद कुछ खालिस्तान समर्थक ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं। इन अकाउंट से भारत विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा था और इन्हें कनाडा व यूके से ऑपरेट किया जा रहा था। भाकियु नेता राकेश टिकैत का वीडियो वायरल, किसानों से लाठी डंडे साथ रखने के लिए कहते नजर आए। गणतंत्र दिवस पर किसान रैली के दौरान हुई हिंसा के बीच भाकियु नेता राकेश टिकैत का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राकेश टिकैत किसानों से लाठी डंडा साथ रखने की बात कह रहे हैं। इसके साथ ही टिकैत कह रहे हैं कि किसानों से उनकी जमीन छीन ली जाएगी, सरकार मान नहीं रही और अब सब आ जाओ, अपनी जमीन नहीं बच रही। राकेश टिकैत ने कल ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने किसानों की रैली को सफलता के लिए बधाई दी थी और पूरे आंदोलन को शांतिपूर्ण बताया था। दूसरी ओर 41 किसान यूनियनों का प्रतिनिधित्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने हिंसा में लिप्त प्रदर्शनकारियों से खुद को अलग कर लिया है और आरोप लगाया कि परेड में कुछ असामाजिक तत्व शामिल हो गए थे। सनी देओल बोले, आंदोलन में शामिल दीप सिद्धू से मेरा कोई संबंध नहीं। बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने जब 2019 में गुरदासपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था, तब एक्टर दीप सिद्धू उनके सहयोगी हुआ करते थे। लेकिन दीप सिद्धू के किसान आंदोलन में शामिल होने के बाद से सनी देओल ने उनसे दूरी बना ली थी। अब दिल्ली में लाल किले पर प्रदर्शनकारियों द्वारा धार्मिक झंडा फहराए जाने की घटना के दौरान दीप सिद्धू वहां मौजूद थे और उन्होंने प्रदर्शनकारियों का बचाव करते हुए इसे प्रतीकात्मक विरोध बताया है। इस घटना के बाद सनी देओल ने ट्वीट किया कि लाल किले पर जो हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी हुआ है। मैंने 6 दिसंबर को भी स्पष्ट किया था कि मेरा या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है। ब्रिटेन में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 1 लाख के पार, पीएम जॉनसन ने ली जिम्मेदारी। ब्रिटेन में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या 1,04,000 हो गई है। इस पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी लेते हुए दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मुझे इन मौतों का बहुत दुख है। मैं उन सभी के प्रति संवेदना जताना चाहता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। हमारे मंत्रियों ने कोरोना पर काबू करने के लिए हर संभव प्रयास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राहत की बात है कि वैक्सीन आने के बाद कोरोना केस में कमी आई है। बाइडन और पुतिन ने की बात, स्टार्ट समझौते को 5 साल बढ़ाने पर सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से हथियारों को कम करने वाले अहम समझौते स्टार्ट समेत कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की।
व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से वार्ता में न्यूज चार्ट संधि को 5 साल तक बढ़ाने पर बातचीत की। दोनों नेता इस पर सहमत हुए कि 5 फरवरी तक स्टार्ट संधि को विस्तार देने की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन की संप्रभुता का मजबूती से समर्थन करता रहेगा। बाइडेन ने पुतिन के सामने कुछ ऐसे मुद्दे भी उठाए जिससे रूस असहज होता रहा है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज लाइव।